हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रबंध के सिद्धांत और उनकी तकनीकों की। इससे पहले की क्लासों में हमने प्रबंध के बारे में जाना, उसके परिचय को समझा हमने, उसके महत्व की बात करी, उसके कार्यों को भी समझा, प्रबंधकीय भूमिकाओं की भी बात करी हम लोगों ने, और उसके स्तर तक हमने सारी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से समझ ली हैं। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की और उसकी जो तकनीकें हैं, उसके जो मेथड है, टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, टेक्निक की बात करेंगे, किन टेक्निक के आधार पर हमारा जो प्रबंध है वो कार्य करता है। हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि प्रबंध को हम विज्ञान की संज्ञा देते हैं। ध्यान रहे, ये पूर्णतः शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि कैसा विज्ञान है, अयथार्थ अशुद्ध विज्ञान इसे कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रबंध में नवाचार जो है होता है, उस नवाचार को ध्यान में रखते हुए हमने ये पता लगाया कि प्रबंध में कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें अगर विज्ञान की, तो विज्ञान में जितने कुछ कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्यों के होने के पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, और उसके फलस्वरूप उसका क्या रिजल्ट होगा संबंध ज्ञात किया जाता है। यानी विज्ञान में कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी तथ्य की या किसी भी बात के होने या नहीं होने पर या किसी विशेष परिस्थिति में जो कुछ परिवर्तन होने वाला है उसकी बात करते हैं। ऐसा का ऐसा हमारे प्रबंध में भी होता है। प्रबंध जो है उसमें कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत विज्ञान की भांति 100% यानी कि 100% अगर हम बात करें ना, 100% लागू नहीं होते। इनका लागू होना किस पे निर्भर करेगा? इनका लागू होना निर्भर करता है देश की जो संस्कृति है, भौगोलिक परिक्षेत्र है, या फिर वहां के लोगों का जो व्यवहार है, इन पर निर्भर करता है कि किस जगह कौन सा सिद्धांत कौन सा नियम कार्य करेगा। तो यहां हम पहले बात करेंगे सिद्धांत की कि प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखिए, अलग अलग जो प्रबंध शास्त्र हुए उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर सिद्धांतों की बात की जाए तो हेनरी फ्योल जो है उन्होंने प्रबंध के कुछ सिद्धांत बताए हैं। यहाँ पर हम उन्हीं की चर्चा करेंगे क्योंकि उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कैसे हैं, लोचशील हैं, फ्लेक्सिबल हैं। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत कैसे हैं, लोचशील है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि उन्हें हम परिवर्तित करके लागू करवा सकते हैं, उनमें हल्का सा परिवर्तन करके हम अपने अनुसार उन्हें क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, अपने अनुसार उनको हम उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर हेनरी फ्योल की बात करेंगे। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं हम उनकी चर्चा यहाँ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये बताना चाहिए सिद्धांत क्या होता है। हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं उनके बारे में हमें बताता होना चाहिए सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिद्धांत होता क्या है। तो लिखा है, किसी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर, पर्टिकुलर कोई आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें कुछ प्रमाण होंगे, प्रूफ होंगे आपके पास में, प्रूफ के बेसिस में शब्द को काम हो रहा है, पर्याप्त होने चाहिए, सफिशियंट होने चाहिए। तो पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर एवं पर्याप्त तर्क वितर्क के पश्चात आपके पास में प्रूफ आ गया, उसके बाद में क्या होगा, उस पर तर्क वितर्क करना होगा, कंफर्म तो करेंगे ना उसको कि वास्तव में ये चीज होती है या नहीं होती है, किस विशेष परिस्थिति में ये चीज होगी। तो इसके लिए क्या होता है, तर्क वितर्क करते हैं, और तर्क वितर्क करने के पश्चात क्या करेंगे, यह निश्चय करेंगे कि मत या विचार हमें अपनाना है अथवा नहीं अपनाना है। तो क्या लिखा है कि तर्क वितर्क के पश्चात निश्चित किया गया मत या विचार जो समय, किस समय के अनुसार लागू हो रहा है, टाइमिंग, अनुभव, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने इसको जो वास्तव में लागू किया है, निरीक्षण, आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया और वास्तविकता में आपने देखा कि जिस कार्य को हम करने के लिए इस सिद्धांत को लागू कर रहे हैं ये वास्तव में वहां कार्य कर रहा है। तो समय, अनुभव और
निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है वही क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। क्या हुआ सिद्धांत? पर्याप्त क्या होंगे? प्रमाण होंगे, तर्क वितर्क करना होगा, और उसके पश्चात भी क्या करेंगे? हम देखेंगे कि समय, अनुभव और निरीक्षण की कसौटी पर यह खरा उतरता है या नहीं होता है। वास्तव में यह कार्य किस प्रकार से कर रहा है? जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, जब आपके दिल आपको तसल्ली दे कि नहीं ये वास्तव में कार्य कर रहा है, तब जाकर के हम उसे क्या नाम देते हैं? सिद्धांत नाम देते हैं। सिद्धांत की बात करने के पश्चात मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम बात करते हैं प्रबंध की तो 100% यहां पर कार्य नहीं होता है। तो कार्य कैसे होगा, कब लागू होंगे, कैसे लागू होंगे सिद्धांत? तो उनकी बात के लिए मैंने एक और लाइन यहां लिख दी। क्या लिखा? कि प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, समाज व देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कौन सा सिद्धांत कहां कार्य करेगा, किस पर निर्भर करेगा? उस संगठन पे, या उस देश पर, या वहां की जो वास्तविक मनोदशाएं हैं, वहां कार्य करने वाले जो व्यक्ति है उनका व्यवहार है, उन व्यवहारों पर निर्भर करेगा कि कौन सा सिद्धांत वहां लागू होगा अथवा नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यहां बात करने वाले हैं हेनरी फ्योन ने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, यहां पर जो बात करेंगे हम प्रबंध के सिद्धांत की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, और इनमें भी किसके द्वारा दिए गए? हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं हम उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं वो कैसे हैं? लोचशील है, फ्लेक्सिबल है, और इसीलिए हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी में हम सबसे पहले बात करेंगे कार्य का विभाजन, क्या करना है? कार्य का विभाजन करना है। किस आधार पर करना कार्य का विभाजन? जो कर्मचारी हमारे पास में कार्य कर रहे हैं वो किस कार्य को करने में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, इस विशिष्ट योग्यता के आधार पर ही हमें क्या करना होता है? कार्य का विभाजन करना होता है। कार्य का विभाजन किस आधार पर होगा? विशिष्टीकरण के आधार पर। आप किस कार्य को करने में निपुण हैं, आपकी जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो किस कार्य को करने में सबसे ज्यादा है, और उसी प्रकार से कार्य का विभाजन करते हुए हम क्या करेंगे? अपने कार्य को बेटर बनाएंगे। हम अपने कार्य को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए क्या करेंगे? जिस कार्य में विशिष्ट योग्यता आधारित है उसी कार्य को करेंगे, ताकि उस कार्य को और भी अच्छे ढंग से आप कर सके। अच्छा, जब हम बात करते हैं कार्य के विभाजन की, तो उसी के साथ में हमारी एक और बात आ जाती है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, कैसा अधिकार, कैसा उत्तरदायित्व? तो देखिए, जब आप संगठन में कार्य कर रहे होते हैं तो आपको आपके उच्चाधिकारी द्वारा कार्यभार दिया जाता है, बताया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, आपका उत्तरदायित्व बन गया कि आप उस कार्य को बेटर ढंग से करें, जिम्मेदारी बनती है आपकी। भाई आपने देखा होगा ना कुछ कि भाई ये व्यक्ति इस कार्य को करने में निपुण है, ये इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है, तो इसलिए आप क्या बन गया, आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आप उस कार्य को बेटर ढंग से करें, तो आपके पास में क्या आ गया? उत्तरदायित्व आ गया।
अच्छा, अब जब आप कार्य को करते हैं तो उसके लिए कुछ अधिकार भी चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में अधिकार नहीं होंगे ना तो आप कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते। तो आपका जो उच्च अधिकारी है वो क्या करता है, आपको संबंधित कार्य करने के लिए कुछ अधिकार दे देता है, आपके पास में कुछ अधिकारों का हस्तांतरण हो जाता है। अधिकारों का हस्तांतरण होने के पश्चात अब आपकी जिम्मेदारी बन गई क्या करना है, कार्य को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करना है। तो अधिकार और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां भी उत्तरदायित्व की बात करेंगे वहां अधिकार जुड़ जाएगा, और अधिकार जो है वो उत्तरदायित्व के बिना कैसा है, अधूरा है, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं, पति पत्नी है, एक सिक्के के दो पहलू है, ये है ना, बंधे हुए एक दूसरे से। कार्य विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व की बात करने के बाद में हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी आती है कौन सी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब अनुशासन बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, और नियम ऐसे होने चाहिए कि कर्मचारी सहजता से उनका पालन कर ले, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालोगे ना, भग जाएंगे संस्था को छोड़ करके, फिर नए कर्मचारी की खोज करनी रहेगी आपको। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ नियम बने होते हैं, ध्यान रखिए। आप अनुशासन के लिए दंड व्यवस्था का भी प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये विशेष बात कौन सी, दंड व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि एक टीचर लकड़ी लेकर के बच्चों के पीछे जैसे भागना शुरू कर देता है, पिटाई कर देता है, पिटाई नहीं करनी है। अगर आप एक शिक्षक की भांति एक स्टूडेंट के साथ में जो बिहेवियर करते हैं, उसकी बदमाशी करने पर, उसके शैतानी करने पर, या उसके द्वारा जो उद्धंडता की जाती है उसके आधार पर उसकी जो पिटाई होती है, वैसी पिटाई आपको नहीं करनी है, क्योंकि इनका लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है। तो यहाँ बात जब हम संगठन की कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ में अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ में जब दंड व्यवस्था की बात की जाए, उचित पर्याप्त दंड होना चाहिए। लकड़ी से नहीं पीटना है, मान लीजिए जैसे आप उनके एक दिन का जो वेतन है वो कट कर दीजिए, इस प्रकार के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस प्रकार की दंड व्यवस्था होनी चाहिए, निर्धारित समय पर अगर नहीं आ रहा है तो उस दिन की जैसे लीव शो कर देना। तो इस प्रकार की दंड व्यवस्था बनानी है, पिटाई नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्य विभाजन, अधिकार उत्तरदायित्व और अनुशासन के बाद में हम बात करेंगे किसकी, आदेश की एकता। किसकी एकता है ये, आदेश की एकता। आदेश की एकता मतलब क्या, आदेश की एकता की जब हम बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है किस बात का, कि एक संगठन में कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले जो आदेश होते हैं वो किससे प्राप्त होंगे, एक ही उच्चाधिकारी से। एक संगठन में कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले जो आदेश होंगे वो किससे प्राप्त होने हैं, एक ही उच्चाधिकारी से। सर्वोच्च उच्चाधिकारी जो होता है, जो सभी के लिए क्या करता है, आदेश जारी करेगा, प्रेषित करेगा। अच्छा, आदेश की एकता के बाद में आता है निर्देश की एकता। अच्छा देखिए, होता क्या है, हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं हम लोग, कैसे कन्फ्यूज जाते हैं कि आदेश और निर्देश भी क्या वाला है, दोनों एक ही तो है, और मिलने वाला जो निर्देश है या आदेश है वो भी उच्चाधिकारी से मिल रहा है। लेकिन मित्रों एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो बात ये है कि आदेश की एकता में
संगठन का जो सर्वे सर्वा होता है, उच्चाधिकारी होता है, वो आदेश देता है सभी कर्मचारियों के लिए एक समान। लेकिन जब हम बात करेंगे निर्देश के एकता की, तो पर्टिकुलर जो आपके संगठन में विभाग बने हुए हैं, यानी एक समान कार्य जो हो रहे हैं, उन एक समान होने वाले कार्यों के ऊपर एक अधिकारी होगा, और उसी अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे। तो आदेश उच्चाधिकारी देते हैं, जबकि निर्देश कौन देगा, उस संबंधित विभाग का जो अधिकारी होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों पृथक पृथक है। इसके संबंध में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। संगठन का जो सर्वेसर्वा होगा वो क्या करेगा, आदेश देगा, जबकि पर्टिकुलर विभाग के अंदर जो अधिकारी होता है वो क्या करता है, निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे कर्मचारियों को फॉलो करना होता है। इसके बाद में देखिए हम बात करेंगे सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या करना, समर्पण करना। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, आपका उत्तरदायित्व तो बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यह बनती है कि आपको क्या करना है, समूह के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करना है, व्यक्तिगत हितों का त्याग करना है। देखिएगा, आपके व्यक्तिगत हित होते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, भूल जाइए, भूलने की बात ना ये बिंदु कर रहा है ना मैं कर रहा हूं। केवल क्या बात कही गई है कि जब आप समूह उस संगठन में जुड़े हुए हैं, उस समूह की बात कर रहे हैं, तो सामूहिक हितों को जब आप ध्यान में रखेंगे, उस समय आपको क्या करना है, अपने निजी हितों को भुला देना है। उस समय आप केवल समूह के हितों का ध्यान रखें, और उसके पश्चात आपके निजी जो उद्देश्य है आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जब बात संगठन की होगी, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपके समूह का क्या हित है, जो समूह का हित होगा वही आपके लिए क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे संगठन का जो हित है, वो हमारे लिए कैसा होना चाहिए, संगठन हित सर्वोपरि। अच्छा, निर्देश की एकता में एक और बात मुझे याद आ रही है, जो कि हेनरी फ्योल महोदय ने कही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक विभाग में जो कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं, उनको उसी विभाग यानी संबंधित विभाग का जो अधिकारी होगा वही क्या करेगा, निर्देश देगा। इसके संबंध में हनीफ ने कहा था कि दो सिर, भाई मान लीजिए किसका शरीर है, शरीर पर अगर दो सिर होंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि दो सिर वाला व्यक्ति या पशु कोई भी हो, चाहे अपन अगर व्यक्ति की बात कर ले चाहे पशु की बात कर ले, दोनों में उसे क्या माना जाता है, राक्षस माना जाता है, और वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करने में कठिनाई का अनुभव करेगा। किसने कहा था, हेनरी फ्योल ने। और इस बात के लिए उन्होंने क्या कहा कि निर्देश की एकता होनी चाहिए, एक समान जो निर्देश होते हैं वो प्रसारित किए जाने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, और पारिश्रमिक भी कैसा होना चाहिए,
उचित होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में जितना योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुरूप क्या करना चाहिए, पारिश्रमिक भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक नहीं दे पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में होता यह है कि वो व्यक्ति मन से उस कार्य को नहीं कर पाता। तो इसके लिए जब अगर आप ये चाहते हो कि आपके संगठन में कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं वो अपना 100% दें, अपने कार्य को बेहतर ढंग से करें, तो आपको क्या करना है, उनको उचित पारिश्रमिक देना होगा। उचित पारिश्रमिक की बात करने के बाद में हम बात करते हैं केंद्रीकरण की, और इस केंद्रीकरण के साथ में एक और शब्द आ जाता है विकेंद्रीकरण। क्या होता है इसमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केंद्रीकरण का तो तात्पर्य क्या होता है, अगर संगठन का स्वरूप कैसा हो, छोटा हो, अगर संगठन का स्वरूप कैसा हो, छोटा हो, तो उस समय आपको क्या करना है, अपने अधिकारों का केंद्रीकरण करना है। यानी सारे अधिकार किसके पास में होने चाहिए, जो उच्च अधिकारी होता है उनके पास में होने चाहिए। जब संगठन का स्वरूप कैसा हो, छोटा हो, उस समय क्या होना है, आपको केंद्रीकरण करना है। किसके संबंध में, अधिकारों के संबंध में। आपके जो राइट्स हैं जो उस उच्चाधिकारी के पास में संजो कर रखे हुए हैं वो सब एक ही व्यक्ति के पास होंगे। लेकिन अगर संगठन का स्वरूप कैसा है, व्यापक है, बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, केंद्रीकरण को नहीं अपनाना है, तो क्या करना है, विकेंद्रीकरण। यानी अपने जो अधिकार हैं उनको अपने से निम्न स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनको हस्तांतरित करना होता है, जिससे कि संगठन का स्वरूप कैसा हो जाए, सरल हो जाए। हाँ, संगठन के जो सिस्टम जो बना हुआ है, संगठन का जो आपका व्यवहार बना हुआ है, कर्मचारियों से आपके जो संपर्क आप स्थापित करते हो, उन सबको सरल बनाना है, अपने कार्य को सरल बनाना है। तो अपने कार्य को सरल एवं सुगम बनाने के लिए, कार्य को सरल एवं सुगम बनाने के लिए क्या करना होता है, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण को अपनाना होता है। अच्छा, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात करने के बाद में हम आगे बात करते हैं, इनको इरेज कर देता हूं, पदाधिकारियों से संपर्क की कड़ी। पदाधिकारी मतलब, मान लीजिए आपके संगठन का स्वरूप कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये आपके संगठन का स्वरूप है। ए महोदय जो है वो सर्वोच्च अधिकारी है, बी और एफ जो है उनसे निम्न स्तर के अधिकारी हैं, सी और जी उनसे निम्न स्तर के हो जाएंगे। इस प्रकार से एक चैन बनी हुई है, चैन सिस्टम है ये। और ये जो आपका बिंदु जो है पदाधिकारी से संपर्क कड़ी के जब बात कर रहा है, ये कहता है कि अगर इन महोदय को अपनी कोई भी बात कहनी होगी ना, अपनी कोई भी मत अगर रखना चाहते हैं ये, तो ये किसके समक्ष रखेंगे, इन महोदय के समक्ष। यानी ई अपनी बात डी को कहेगा, डी इस बात को आगे सी को फॉरवर्ड करेगा, सी आगे बी को फॉरवर्ड करेगा, और उसके पश्चात जो बात है वो जाएगी ए के पास में। यानी कि एक बात को यहां से वहां तक जाने में क्या लग रहा है, काफी समय लग रहा है, देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप बात जाएगी। अच्छा, अब इनके निर्णय की बात करें, भाई ये डिसीजन तो लेगा ना किसी बात के ऊपर, तो मान लीजिए इन्होंने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया अपना, तो निर्णय भी इसी तरह से आएगा, इन्होंने इसको लिया, ये वापस यहां आएगा,
और फिर अंत में क्या चला जाएगा, वापस उस कर्मचारी के पास में जो निर्णय है वो पहुंचा दिया जाएगा। इसी संदर्भ में एक और बात ये भी है कि आप अपने समकक्ष अधिकारी से भी बात शेयर कर सकते हैं। डी अपनी बात एच को बता सकता है, अपने दुख दर्द बांट सकते हैं, मतलब भाई मन की पीड़ा होती है वैसा होती है बता दें सबको। तो ये भी अपने मन की अपने दिल के जो राज है वो अपने समस्त जो इक्वल के जो कर्मचारी होंगे या अधिकारी होंगे उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो ये होती है पदाधिकारियों के साथ में संपर्क की कड़ी, यानी ये आपस में अपने जो बातें हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और उच्च अधिकारी तक अगर कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा, अपने से जस्ट ऊपर का जो अधिकारी है आप उसे अपनी बात बता दीजिए, वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगी, जो सबसे ऊपर का जो अधिकारी होगा उसके पास में बात पहुंच जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका निर्णय ले जाएगा, वो जो भी निर्णय उसका अकॉर्डिंग लेते हैं वो निर्णय आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये थी अधिकारियों से संपर्क की कड़ी। व्यवस्था, किस बात की व्यवस्था करनी है भैया, व्यवस्था किस बात की करनी है, व्यवस्था करनी है उचित कार्य की, और उचित कार्य उचित व्यक्ति के द्वारा किया जाए। व्यवस्था किसकी, उचित कार्य उचित व्यक्ति द्वारा किया जाए। क्या होना चाहिए, कहां होना चाहिए, यह सब कुछ किसमें आता है, व्यवस्था में आता है। कार्य उचित ढंग से हो और उचित कार्य उचित व्यक्ति द्वारा, उचित कर्मचारी द्वारा या उचित अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाए, यह कहलाती है अपनी व्यवस्था। व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे समता की, समता मतलब समानता, ध्यान रखिएगा समता वर्ण है यहां पर। समता एक होता है क्षमता कैपेसिटी, बड़ी समता ये नहीं है हमारे पास, समता का मतलब क्या है, समानता। अब कैसे समानता रखनी है यहां पर, तो देखिए समानता का तात्पर्य है कि संगठन में कार्य करने वाले जितने भी कार्मिक हैं वो सब क्या है, एक समान है, उनके साथ में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रखना है आपको। आप इनमें से ऐसा नहीं हो किसी एक को आप स्पेशल माने या फिर कोई विशेष से आपका अनबन हो रखा है तो आप उसे तुच्छ माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए सभी जो कर्मचारी हैं वो कैसे हैं, एक समान है, यानी उनके साथ में किया जाने वाला जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, एक समान व्यवहार करना, आपको सबको एक समान दृष्टि से देखना है। समता के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे संगठन में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन कर्मचारी द्वारा जो काम किया जाता है उनके कार्य की स्थिरता होनी चाहिए, यानी कि कर्मचारी के कार्यकाल की स्थिरता की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता का मतलब क्या है, ये समझना ही चाह रहे हैं कि जब आप किसी कर्मचारी को अपॉइंट करते हैं, आपने मान लीजिए किसी भी कर्मचारी को अपने यहां पर काम पर रखा है, तो उसे जो पर्याप्त समय मिलना चाहिए, उस पर्याप्त समय की बात ये पॉइंट करता है। क्योंकि देखिए कर्मचारी को संगठन में आकर कार्य को सीखने में कुछ समय लगता है और उस कार्य के अंदर जो कार्य वो कर रहा है ना, विशेष कार्य जो आपने उसको सौंपा है, उस विशेष कार्य में निपुणता हासिल करने में, उसमें कुशलता हासिल करने में कुछ समय लगता है, तो उसे पर्याप्त मात्रा में समय दिया जाना चाहिए जिससे क्या कर सके, वह कर्मचारी अपने कार्य को निपुणता से कर सके, उस कार्य को करने में निपुण हो जाए,
और फिर वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से करके और आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। तो इसके लिए पर्याप्त समय उन्हें दिया जाना चाहिए। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि जापान जो है टेक्नोलॉजी में जो सबसे आगे है जापान, किस वजह से है, वहां पर जो कर्मचारी है उनका कार्यकाल कैसा होता है। एक लंबे समय के लिए कर्मचारी को लगाया जाता है, ऐसा नहीं एक वर्ष में उनको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता वहां पर। चाहे उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है लेकिन अगर उसने एक बार ज्वाइन कर लिया है तो एक लंबे टाइम के लिए उसको संगठन में कार्य करना होता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में वो व्यक्ति कार्य को करने के योग्य है नहीं है, क्योंकि उसे पर्याप्त समय मिलता है उस कार्य को सीखने का। अच्छा, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिति के बारे में बात करते हैं। प्रेरणा की, कैसी प्रेरणा, प्रेरणा कैसी, प्रेरणा का मतलब वो अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। कौन करेगा? तो कर्मचारियों के ऊपर का जो अधिकारी होता है वो अभिप्रेरित करेगा। किन्हें अभिप्रेरित करेगा? अपने कर्मचारियों को। यानी कि किसी भी कार्य की पहल के लिए क्या करना है, उन्हों प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। क्यों कहता है? देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर एक अलग से योग्यता होती है और उस योग्यता को परखने के लिए, उसके विचारों को जानने के लिए, उसके अंदर जो कार्यों को करने की जो कुशलता है उसको उभारने के लिए अधिकारी को क्या करना चाहिए? अपने कर्मचारी को प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, किसी भी कार्य को करने में पहलपन दर्शाएं और उस कार्य को अच्छे ढंग से करें। इससे क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं ना उनमें आत्मबल, या कह सकते हैं मनोबल, इनमें वृद्धि होती है। और जब एक व्यक्ति या एक कर्मचारी के आत्मबल या मनोबल में जो वृद्धि होती है ना, तो वो कार्य को और भी अच्छे ढंग से संपादित करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे संगठन में कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं वो पूर्ण कार्य कुशलता के साथ में कार्य करें, उनका अपने संगठन में जो है वो जुड़ाव बना रहे, वो हमारे साथ में दिल से जुड़े रहे, तो इसके लिए हमें उन्हें अभिप्रेरित करना या प्रेरित करना भी आवश्यक होता है। इसके बाद अंतिम बात करते हैं हम सहयोग की भावना, मतलब एकता ही शक्ति है। कहानी सुनी ना आप लोगों ने, बूढ़े किसान की, चार बेटे, लकड़ियां एक एक करके तोड़ दी, बंडल तोड़ नहीं पाए। तो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो संगठन है वो मजबूती के साथ खड़ा रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एकजुट होना होगा, आपस में सहयोग करना होगा, और आपकी यही सहयोग की जो भावना है वो आपके संगठन को ऊंचाई की ओर लेके जाएगी। तो संगठन में एकता का होना बहुत ही आवश्यक है। आपके संगठन में एकता जो है वो आपके संगठन को क्या करेगी, ऊंचाई की ओर लेके जाएगी। तो ध्यान रखें, हमने यहां पर हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के 14 सिद्धांतों की बात की है। केवल 14 सिद्धांत नहीं है, हेनरी फ्योल ने 14 दिए हैं। अगर हम प्रबंध के सिद्धांतों की बात करें तो ये 6 से लेकर के 54 तक हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। लेकिन हेनरी फ्योल के सिद्धांतों की बात हमने इसलिए करी क्योंकि ये सिद्धांत कैसे हैं, लोचशील हैं, और लोचशील होने के कारण ही हम क्या करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनके सिद्धांत कैसे हैं, लोचशील है, फ्लेक्सिबल है, हम इनको परिस्थिति के अकॉर्डिंग लागू कर सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर हेनरी फ्योल के सिद्धांत की बात करी और हमने टोटली 14 सिद्धांत जो थे हेनरी फ्योल के उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का अगर कोई बिंदु है या कोई भी शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया हो या आपको उसके बारे में कोई शंका है, बिना किसी सोच विचार के आप हमारे वीडियो में नीचे जो कमेंट बॉक्स दे रखा है उसमें कमेंट कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में शेयर करना ना भूले। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि निरंतर हमारे जो वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।